नमस्कार, आप सब सेहतमंद और खुश रहो। आज आपसे एक रोचक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। जल यानी पानी, वाटर, सारे जीवों के जीवन की मूलभूत जरूरत है। पानी पृथ्वी के 75% से ज़्यादा भाग को ढकता है तथा मनुष्य के शरीर के 65% भार पानी होता है। पानी की अपनी याद शक्ति होती है, उनका अपना फीलिंग होता है, सेंसिटिविटी होती है। इस तथ्य को 1988 में डॉक्टर जेकेस ने दुनिया के सामने पहले रखा था। बाद में डॉक्टर इमोतो और इनके वैज्ञानिकों ने इस खोज को आगे बढ़ाया, जबकि हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से यह बात जानते थे। पानी किसी भी वस्तु के स्पर्श में आता है तो उस वस्तु के संबंधित जानकारी अपने में समेट लेता है और उससे स्टोर भी करता है। जानकारी में यह भी पाया गया कि पानी न सिर्फ आसपास की चीजों को याद करता है, याद रखता है, बल्कि विचारों को भी समझता है और अपने विचारों के अनुरूप बदलाव भी लाता है। अगर पानी को किसी तरह के विचार दिए जाए तो इसके क्रिस्टल की भौतिक संरचना में बदलाव आता है। अलग अलग सोच से पानी की भौतिक संरचना में अलग अलग बदलाव होते हैं। जापान के डॉक्टर इमोटो ने पानी पर अलग अलग विचार डाला, जैसे कि नकारात्मक विचार, धर्म संबंधी विचार, प्रार्थना, ऐसे कई सकारात्मक विचार डालकर उन्होंने पाया कि यह विचार जो सुंदरता, शांति, प्यार, खुशी जैसे भावनापूर्ण विचारों ने पानी के क्रिस्टल की संरचना को बहुत सुंदर और आकर्षक रूप में बदल दिया। मगर यह विचार जो नफरत, गुस्सा, जलन, ईर्ष्या से भरे थे, उन विचारों से पानी के क्रिस्टल की संरचना में विक्षेप वाला बदलाव मिला। एरोस्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी जर्मनी के रिसर्च में यह भी जानना मिला कि पानी का सिर्फ विचारों से प्रभावित होता है, बल्कि यह आसपास की जानकारी भी एकत्रित करता है। इस बात साबित करने के लिए विभिन्न फूलों को पानी में डुबोया तो पाया गया कि पानी की संरचना फूलों की आकृति से मिलती जुलती हो जाती है। पानी की हर बूंद में वह समान आकृति है। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट किया, इसे डबल ब्लाइंड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर डिन रेजिन, डॉक्टर इमोटो, डॉक्टर गेल, इन तीनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। यह एक्सपेरिमेंट टोक्यो के लगभग 2000 लोगों को कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली बंद कमरे में रखा गया। इस कमरे में पानी भी रखा गया और उसके सैंपल पर अपना ध्यान केंद्रित करने को कहा, जिसमें उन्होंने अलग अलग भावना वाले विचारों को सोचने के लिए कहा गया। 3 दिन के इस एक्सपेरिमेंट में कमरे के पानी की बूंदों की तस्वीरें खींची गई। 2500 जजों को विश्लेषण के लिए भेजा गया और कुछ तथ्य से यह निकला कि पानी सोच समझता है, सोच के हिसाब से अपनी संरचना बदलता है। पानी पर विचारों से हम अच्छी बुरी असर डालते हैं। पानी चेतना समझता है और उसके प्रति संवेदनशील है। यह बात साफ हो गई कि आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करता है, क्योंकि आपके शरीर में 65% से ज़्यादा पानी है। तो आप उनसे अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो अच्छा ही होगा। मेरा तो यही कहना है कि सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि हवा, आग, बाह्य और आंतरिक
इस पर भी विचारों का असर होता है। वह हमें सुनता है, समझता है, देखता है। तुम इन्हें सिर्फ आज्ञा करो, आपके सारे काम वह कर देगा। हवा, पानी, आग, इनसे आप ऊर्जा पा सकते हैं। अच्छी बुरी ऊर्जा का इन पर असर होता है। आप सिर्फ पानी पीकर ही जी सकते हैं, या फिर आप सिर्फ हवा की ऊर्जा से जी सकते हैं। सवाल यह है कि आप इस ऊर्जा को कैसे ले। ध्यान और योग का सीधा अर्थ यही है। इनसे शरीर, मन, आत्मा ऊर्जावान बनता है और कुदरत से ऊर्जा मिलती रहती है। आपने भारत के प्रहलाद जानी के बारे में सुना होगा, जो माता जी के नाम से या चुनरी वाले माता जी के नाम से पहचाने जाते थे। कुछ भी खाए पिए मगर 90 साल तक जीवित रहे। हमारे इंडिया में आज भी ऐसे कई रूसी हैं, इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आप भी ऊर्जा को प्राप्त करने का अभ्यास करें। इसीलिए पवित्र जल का महत्व है, इसीलिए ही पवित्र जगहों का महत्व है। क्यों मृत्युशैया पर बड़े व्यक्ति को पानी दिया जाता है, क्यों हवन होम किया जाता है, इन सब का यही अर्थ होता है। आप भी इस विषय का ज्यादा अभ्यास करें और विश्व को प्रेम, शांति और अमन से भर दे, साथ साथ अपने जीवन को भी पूर्णता से भर दे। जी, धन्यवाद।